में हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बजरंगी भाईजान, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, हिंदी मीडियम। कई सारी बेहतरीन फिल्में चाइना में रिलीज हो चुकी है पिछले 2-3 सालों में और ज़्यादातर फिल्मों ने अच्छा खासा बिजनेस किया है भारतीय फिल्मों ने। लेकिन आप सोचोगे क्या ये जो सफ़र है चाइना में फिल्में रिलीज़ होने का यहीं थमेगा या और आगे बढ़ेगा, और किस तरह से हो सकता है ये सफ़र आने वाले वक्त में चाइना में इंडिया की फिल्मों का। एक बहुत बड़ा एनालिसिस आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है उसके ज़रिए, ताकि आपको पता चलेगा कि इंडिया का मार्केट कितना ब्राइट है चाइना में। ठीक है, मैंने ये टॉपिक ही लिखा है इस तरह से, हाउ चाइना यूएस ट्रेड प्रॉब्लम विल हेल्प इंडियन सिनेमा इन चाइना। यानी कि फिलहाल चाइना और यूएस में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है ट्रेड को लेकर। ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है, व्यापार में सब कुछ आ जाता है, बोलते ना कांदा, लहसुन, प्याज से लेकर ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फिल्म्स हो गया, आर्ट हो गया, हर चीज़ आ जाता है। ट्रेड मतलब वो ही ना, व्यापार, समझ गए ना आप। तो जो ट्रेड का जो चीज़ें चल रहा है वो थोड़ा सा टेंशन वाला चल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यूएसए की फिल्मों को रोक लगने के चांसेस है चाइना में। ठीक है, यानी कि यूएसए की फिल्मों को अगर रोक लगेगा तो फ़ायदा किसको होगा? जी हाँ, सीधी सी बात है, चाइना को नहीं होगा वो फ़ायदा, होगा इंडियन फिल्मों को जो चाइना में रिलीज़ होंगी, क्योंकि डोर खुल जाएंगे। अगर आपको याद हो या ना हो, 2 साल पहले की बात करता हूँ, ज़्यादा पहले की नहीं, कितनी फिल्में अलाउड थी पता है आपको चाइना में, इंडियन फिल्में? 4 से 6। इस साल कितनी रिलीज़ हो चुकी? कम से कम 6 के ऊपर रिलीज़ हो चुकी है, और 2-3 4 और रिलीज़ होंगी। तो आपको बताना चाहता हूँ अब कि क्या चांसेस हैं इंडियन फिल्मों का चाइना में, कितना बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है और ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, और एक्चुअली मैं चेहरा दिखाए कुछ मतलब नहीं है। अभी टाइटल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। वाइल चाइना एंड यूएस फाइट ओवर ट्रेड, जिसमें ने कहा व्यापार, बॉलीवुड कैन बीट हॉलीवुड इन चाइना। बहुत बढ़िया टाइटल है, यानी कि फिलहाल जो चाइना और यूएस में व्यापार को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इसी बीच बॉलीवुड के पास एक सुनहरा मौका है कि वो हॉलीवुड को बीट कर सके चाइना में। वैसे दंगल ने धूल चटाई, सिक्के सुपरस्टार ने धूल चटाई, बजरंगी भाईजान ने धूल चटाई, तो बाकी और फिल्में भी हॉलीवुड फिल्मों को चाइना में धूल चटा सकती है। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर पॉइंट हमारे पास पता है क्या है, हमारा और चाइना का कल्चर लगभग लगभग सेम है। आपको ज़रूर लगता होगा हम अलग दिखते हैं, अलग भाषा है, लेकिन नहीं, कल्चर बहुत सिमिलर है। कल्चर अगर सिमिलर नहीं होता तो इतना कलेक्शंस करना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है इंडियन फिल्में, वो जो डब्ड चाइनीज़ में बहुत कम हुई है, ज़्यादातर ओरिजिनल रिलीज़ हुई है इंग्लिश सबटाइटल, सॉरी चाइनीज़ सबटाइटल के साथ, तो वो आप मान के चलिए। अब चलिए आपको बताता हूँ कि वहाँ के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वहाँ का जो सबसे चाइना का जो चाइना में पता है गवर्नमेंट जो कहती है वही छापना पड़ता है, गवर्नमेंट जो नहीं कहती वो नहीं छाप सकते आप। तो इंडिया जैसा नहीं है, डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर वहाँ के जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स ने, उनके पास कहा है कि जो जो प्रॉब्लम चल रही है यूएस चाइना के ट्रेड वॉर को लेकर, उसके उसके बीच में अपॉर्चुनिटी है इंडियन सिनेमा के लिए कि वो अपना मार्केट और ग्रो करे, कहाँ पर, चाइना में। ठीक है, और क्या क्या कहा है किसने किसने वो आपको बताता हूँ। बेई मिंग करके रिसर्च फॉलोअर है, रिसर्च फेलो है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स की। उन्होंने, बेई मिंग ने कहा है कि हॉलीवुड मूवीज़ आर पार्ट ऑफ द सर्विस ट्रेड एंड द इम्पैक्ट ऑफ द करंट ट्रेड टेंशन विल गो बियॉन्ड गुड टू अदर एरियाज़। यानी कि हॉलीवुड एक पार्ट है, यानी कि जो ट्रेड में जो बातचीत हो रही है चाइना और यूएसए में, उसमें हॉलीवुड की जो फिल्में जो है ना, उसका भी एक मुद्दा है। तो अगर वो प्रॉपर बात नहीं हो पाई ट्रेड को लेकर, तो फिल्मों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि फिलहाल 34 फिल्में, जी हाँ आपको बता दूँ, 34 हॉलीवुड फिल्में हर साल सालाना चाइना में दिखाई जाती है, और ऐसे में आप देखो तो इंडिया फिल्में सिर्फ 5 से 6। तो चाइना में अगर 34 फिल्में नहीं रिलीज़ होगी हॉलीवुड की, तो किसके पास चांसेस है? इंडिया के पास ही है, राइट? इंडिया ही एक पास का मार्केट और बहुत बड़ा मार्केट है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। अब तियान गुआंगू, इनका नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, मूवी करना पड़ेगा, ठीक है, माफ़ करना, लेकिन असिस्टेंट रिसर्च फेलो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। उनका कहना है कि आई थिंक हाँ, गिवन द यूएस चाइना ट्रेड फिक्शन एंड चाइनीज ऑडियंस एस्थेटिक फेटिग, एस्थेटिक फेटिग मतलब चाइना वाले थक चुके हैं हॉलीवुड फिल्मों का, वही
जोज वाला वही नाटक, वही मारधाड़, मतलब समझिए ना। तो वो उनकी जो फिल्मों में कुछ बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है, तो आई थिंक वो जो रेगुलर हॉलीवुड फिल्म है वो देख के थक चुके चाइनीज़ ऑडियंस। तो अब क्या है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विल हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, ये कहना है, ठीक है। इनका टियान, अब इनका सरनेम तो नहीं लूँगा, नहीं तो आप हंसोगे। अब उसके अलावा इन्होंने कहा है कि इंडियन फिल्म शुड टेक एडवांटेज ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड टेंशन टू अपील द चाइनीज ऑडियंस एंड कैश इन। एक बहुत बड़ी बात एक लाइन में बोल दी, यानी पे साफ साफ कहा है टियान ने कि भारतीय फिल्म के पास एडवांटेज लेने का, यानी कि बढ़त लेने का सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि यूएस और चाइना में जो ट्रेड है यानी कि व्यापार को लेकर काफ़ी तनातनी चल रही है। तो यहाँ पे एक चांस है इंडियन सिनेमा को कि चाइनीस ऑडियंस को और रिझा सके और पैसे अच्छे खासे कमा सके। फिलहाल अगर ट्रेड की बात करें तो चाइना में पिछले साल 23.3% ट्रेड इंक्रीज़ हुआ था, टिकट प्राइस भी थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, तो 8.6 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है चाइना में। आप सोचो कि 8.6 बिलियन डॉलर कितना हुआ होगा, तो चलिए आपको बता देता हूँ। $1 बिलियन कितना होता है, $1 बिलियन, ये होता है 6,845 करोड़। तो मैं अगर 8.6 यहाँ पर डालता हूँ आपके सामने करूँ, ठीक है, तो वो होता है 50, आई थिंक देखा मेरे, 10,100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, हाँ, 58,879 करोड़, ये एनुअल टर्नओवर है चाइना का। सोचिए, 58,879 करोड़ चाइना से फिल्में कमाती है हर साल में, एटलीस्ट पिछले साल का तो ये आंकड़ा है। अब आप इंडिया की बात करें तो सिर्फ बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड फिल्में एक साल में करीबन करीबन 3 से 3,500 करोड़ कमाती है, उससे ज़्यादा नहीं कमाई अभी तक बॉलीवुड फिल्मों ने। तो आप सोच लीजिए इंडिया का मार्केट कहाँ है, वहाँ का मार्केट कहाँ है, कितना बड़ा मार्केट है। तो ये मार्केट अगर सोचो बॉलीवुड फिल्मों को मिल गया तो कितनी चांदी चांदी हो जाएगी। बोलते हैं ना, भगवान जब दोनों हाथ से झूली फैला कर दे रहा है तो दरवाज़ा बंद नहीं करते, तो वो वाला फिलहाल सीन है। इंडियन सिनेमा के पास बहुत बेहतरीन मौका है, बहुत बेहतरीन, तो बहुत बेहतरीन, तो इससे आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि चाइना क्यों कितना बड़ा मार्केट है। आप पहले देख लेते हो टाइम कितना है, अदरवाइज हाँ है 2-3 मिनट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ चाइना कितना बड़ा मार्केट, वो एक एग्जांपल के जरिए आपको बता देता हूँ। 433 मिलियन डॉलर फिल्म ने कमाई की थी वॉरक्राफ्ट में, ठीक है, वॉरक्राफ्ट ने, यानी कि लगभग लगभग 3,000 करोड़ के आसपास। और वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये फिल्म यूएसए में फ्लॉप हुई थी, यूएसए में सिर्फ 47 मिलियन डॉलर कमाई थी। तो आपको वापस बता दूँ, यूएसए बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। जो हॉलीवुड की फिल्में होती है वो यूएसए में 10-15 या 20% कमाती है, बाकी वर्ल्ड ओवर से कमाती। तो आप सोचो 47 मिलियन डॉलर कमाई है यूएसए में, बाकी 433 मिलियन, आई मीन लगभग मतलब 300 मिलियन बाहर से कमाए, उसमें से 433 मिलियन, यानी कि उसका आधा जो अर्निंग है उसकी सिर्फ चाइना से आई, देख सकते हैं, ठीक है। 433 मिलियन ओवरऑल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस अर्निंग फैंटेसी ये फिल्म से, वॉरक्राफ्ट से, वह मेड इन चाइना, ठीक है, ओवरऑल की जो अर्निंग है उसमें से हाफ ऑफ द राइट आधी अर्निंग, यानी कि 200 या 200 के ऊपर मिलियन डॉलर सिर्फ चाइना से आई, यानी कि 1,500 करोड़ सिर्फ चाइना से ये फिल्म कमाई है। यानी कि इतना साफ है कि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक बहुत बड़ा चांस है इंडियन फिल्मों को। अब इंडियन फिल्मों को दिखाना होगा, क्योंकि फिलहाल 196 मिलियन डॉलर के साथ 2,000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था, किसने किया था आपको पता ही है, आई मीन वर्ल्ड वाइड लगभग लगभग किया है, लाइक चाइना में सिर्फ 1,200 करोड़ के आसपास कुछ किया है और वर्ल्ड वाइड आई थिंक 1,920 करोड़ के आसपास का फिलहाल कलेक्शन है दंगल का। और यहाँ पर सीके सुपरस्टार ने भी कमाल का कलेक्शन किया था, उसके बाद कई सारी और फिल्मों ने कमाल का कलेक्शन किया है। यानी कि अगर 2-3 साल की बात करें तो भारतीय फिल्में 8 रिलीज़ हुई है चाइना में, और आप समझ जाइए चाइना फिल्म में सॉरी हॉलीवुड फिल्म में कितनी सारी रिलीज़ हुई है। तो अब एक बहुत बड़ा मौका है इंडियन फिल्मों को, हॉलीवुड फिल्मों को हराने का चाइना में। तो आई होप आपको ये वीडियो का मकसद समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर बहुत खुशी होगी मुझे जब सुरमा जैसी फिल्म, जब राजी जैसी फिल्म, ये सब फिल्में जब चाइना में रिलीज़ होंगी ना, उनको समझ में आएगा कि भैया इंडियन फिल्में कितनी बढ़िया बन रही है, कितनी बढ़िया बन रही है, चाहे रीजनल फिल्में भी क्यों ना रिलीज़ हो। अब इंडिया में मैंने ये नोटिस किया है बहुत ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, और जब कंटेंट पर जब ध्यान दिया जाता है तो वो फिल्मों का जो आई थिंक लॉन्गिटिविटी होती है, लाइफ होती है ना फिल्म की, वो बहुत बड़ी बढ़ जाती है अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मौका है, तो हम कई सारी और भारतीय फिल्में देख सकेंगे आने वाले वक्त में। उम्मीद करते हैं टग्स ऑफ हिंदुस्तान या जो भी फिल्म अब रिलीज़ होगी, पैडमैन वगैरह, वो भी धमाल करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या भारतीय फिल्में तैयार है हॉलीवुड को हराने के लिए चाइना में,
या नहीं ज़रूर बताइएगा। और आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ हटके बनाने की, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी न्यूज़ थी, तो मुझे लगा इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मार्केट अब ओपन है, और भारतीय फिल्में अब 4 या 6 नहीं, कम से 10, 15, 20 रिलीज़ होगी।